अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सातवीं जमात की उर्दू के सबक नंबर 4 की पढ़ाई करेंगे। ये बच्चों सबक नंबर 4 उल्टी हो गई तदबीर। इसके अहम अल्फाज हैं खुशदिली, ज़िया, अमली जामा पहनाना, रसानियत, कुव्वत समात, होशो आवाज, किस्सा पारीना, मशहूर, हुमा वक्त। ये कहानी एक समंदर में रहने वाली आबी मखलूक जिसका मेन किरदार है घोगो, जो एक समंदरी घोड़ा था, उसके बारे में है। बताया गया है कि वो अपने वालदैन और बहन भाइयों के साथ रहता था, लेकिन उसे पसंद नहीं था कि जो सब एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, मेहरबानी वगैरह। वो कहता था कि इससे दुनिया में क्यों है, ये फजूल है, ये वक्त का ज़िया है। उसको पसंद नहीं था लोगों का आपस में मोहब्बत और रहना तरीके से, उसे पसंद नहीं था। इसलिए उसने कोशिश करके एक अजीब सी मशीन बनाई जिसने सब कलामात छीन लिए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम। समुंदर में तमाम आबी मखलूक हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। सब दुख दर्द में एक दूसरे के गम गुसार होते थे। हर तरफ एक सुख और चैन का तोती बोलता था। गोगो जो एक समुद्री घोड़ा था, वो समंदर में अपने वालदैन, अपनी बहन और भाई के साथ रहता था। उसे ये दोस्ताना माहौल एक आंख ना पाता था, इसी वजह से वो हर वक्त हर एक से नाला रहता था। अस्सलाम वालेकुम, हस्ब मामूल गोगो की बहन ने घर में दाखिल होते ही आवाज बुलंद सबको सलाम किया। सब ने खुशदिली से सलाम का जवाब दिया सिवाय गोगो के, जिसने नागवारी से अपनी बहन को देखा और उठकर अपने कमरे में चला आया। वहां उसका भाई किसी मशीन के कुल पुर्जे खोले बैठा था। गोगो, जरा मुझे पानी तो पिलाओ, गोगो के भाई ने उससे कहा। गोगो ने जब उसे पानी का गिलास थमाया तो वो बोला, शुक्रिया भाई। अरे भाई, क्या मुसीबत है, कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे शुक्रिया या मेहरबानी के कलमात मत कहा करें। बहुत बुरे लगते हैं मुझे ये अल्फाज, मगर आप लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अपने भाई के शुक्रिया अदा करने पर गोगो ने आग बगोला होकर कहा, अरे भाई, ये कलमात तो आपस में उल्फत बढ़ाने का सबब बनते हैं। गोगो के भाई ने उसे रसानियत से समझाते हुए कहा, मेरे नजदीक के सब वक्त का ज़िया है, मुझे नहीं जरूरत ऐसी उल्फत की, गोगो ने गुस्से से कहा और फिर घर से बाहर निकल गया। ना जाने लोग अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, मेहरबानी और अल्लाह हाफिज वगैरह जैसे कलामात का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर इन कलामात से रिश्तों में बाहम मोहब्बत पैदा होती तो ये दुनिया आज जन्नत नज़ीर ना कहलाती। ये सब लोगों की ज़हनी खराफात हैं और कुछ नहीं। यानी उसे बुरा लगा कि कलामात क्यों इस्तेमाल करें। अगर वो लोग कहते हैं कि दुनिया इससे खूबसूरत है, तो फिर आज तो दुनिया बहुत खूबसूरत होनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मशीन बनाओ जो दुनिया से ये सारी फजूलियात खत्म कर दे, गोगो ने सोचा। और फिर इसने अपनी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आखिरकार वो अपनी मतलूबा मशीन बनाने में कामयाब हो गया। अब वो किसी सुनहरी मौके की तलाश में था, जिसके लिए उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मलका वेल ने अपनी सालगिरह की खुशी में तमाम जानवरों के लिए शानदार ज़ियाफ़त का इंतजाम किया। सारे आबी जानवर मुख्तलिफ तहाइफ लेकर दावत में आए। मलका वेल ने तहाइफ वसूल करने के बाद जब तमाम जानवरों का शुक्रिया अदा करना चाहा, तो मशीन ने सारे कलमात छीन लिए। उसकी बदौलत एक तरफ तो मलका वेल जानवरों का शुक्रिया अदा करने से कासिर रही, तो दूसरी जानब तमाम जानवर भी इस बात पर बहुत मुतअज्जिब हुए, क्योंकि मलका वेल की कुछ अखलाकी ज़र्बुल मिसल थी। दावत के अख्ताम पर जब तमाम समंदरी जानवर मलका वेल का शुक्रिया अदा करने और घर जाने की इजाज़त तलब करने आए, तो मशीन ने उनके भी सारे कलमात छीन लिए। बेचारे जानवर शुक्रिया और अल्लाह हाफिज जैसे कलमात कहे बगैर ही शर्मसार से अपने अपने घरों को लौट गए। इसके बाद तो समंदर की फजा अजीब सी हो गई। तमाम आबी जानवर या तो हर वक्त गुस्से में रहते भरे रहते हैं, या फिर बाहम लड़ते झगड़ते रहते थे। कोई किसी का चेहरा देखने का रवादार ना था। बाहमी इज्जत, उल्फत, एहतराम सब एक जैसे किस्सा पारीना बनकर रह गए थे। ये सब देखकर गोगो बेहद खुश था, क्योंकि उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई थी। गोगो की बहन जो एक हादसे में अपनी कुव्वत समाज से महरूम हो गई थी, वो गोगो को बेपनाह खुश देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि वो ना तो पहले कभी बात बात पर यूं मुस्कुराता था, ना ही इतना खुश होता था। आखिर माजरा क्या है, इसने सोचा। और फिर एक दिन वो अपने भाई के पीछे इससे छुपकर लेबॉरेटरी में जा पहुंची। वहां जाकर उसने
मशीन का राज जान लिया, वह अपने भाई की खातिर इस हरकत पर सख्त कबीदा खातिर हुई। वो मौके की ताक में रही। आखिर एक दिन जब गोगू किसी अहम काम के सिलसिले में अपने घर और इलाके से दूर गया तो वो जल्दी से उसकी लेबॉरेटरी में घुस गई और उसने मशीन का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही मशीन ने वो तमाम कलमात आजाद करना शुरू कर दिए जो उसने दुनिया से छीन लिए थे। ये सब देखकर गोगो की बहन की खुशी की इंतहा न रही। अरे ये कैसे मुमकिन है, गोगो जो रास्ते में इधर उधर समंदरी जानवरों का आपस में लड़ता झगड़ता और बुरा भला कहते हुए देख रहा था, अचानक उस जानवरों को एक दूसरे से गले मिलते और इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहते देखकर शदीद हैरान होकर बोला। वो फिर वापस अपनी लेबॉरेटरी की तरफ भागा। रास्ते में अचानक उस पर एक शार्क हमलावर हो गई। वह बमुश्किल अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ मगर इस हमले में वो इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया था कि थोड़ी दूर जाकर ही वो अपने होशो हवास खोकर गिर पड़ा। जब वो होश की दुनिया में वापस आया तो उसने खुद को अस्पताल की पट्टियों में जकड़ा पाया। उसके करीब ही अपने वालदैन को खड़े देखा जो कुछ जानवरों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। इन जानवरों ने न सिर्फ गोगो को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया था बल्कि उसे खून देकर उसकी जान भी बचाई थी। हालांकि वो इन चीजों को पसंद नहीं करता था लेकिन जब उस पर मुसीबत आई तो उन्हीं जानवरों ने उनकी मदद की जिन जानवरों को उसने यानी कि उनके साथ गलत किया था ना, उनकी मशीन उनके सारे कलमात छीन लिए थे, नफरत पैदा कर दी थी सबके दिलों में एक दूसरे के लिए। लेकिन जब उन जानवरों ने उनकी जान उसकी बचाई तो ये सब देखकर गोगो की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने किए पर बहुत पशेमान था। इसकी बहन जो इसके बिस्तर के पास ही बैठी थी इसे यूं होते हुए देखकर नादम हो गई और कहने लगी, भाई हमारी तख्लीक का मकसद बाहम लड़ाई झगड़ा करना, हर वक्त एक दूसरे को जिक पहुंचाने की तगोदू में लगे रहना, तमाम खलाकियात को बालाए ताक रख देना नहीं बल्कि बाहम प्यार मोहब्बत को फरोग देना, एक दूसरे की मदद करने के लिए हम वक्त तैयार रहना और हर वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सर अंजाम देना है जिससे हमारा मुआशरा जमीन पर जन्नत का नमूना पेश करे। आज अगर आप जिंदा हैं तो ये उन्हीं लोगों की कोशिशों का समर है जिनके दरमियान नफरत पैदा करने के लिए आपने कोई कसर उठाना रखी। अब इन सबका शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। गोगो ने साइड में सर हिलाया और फिर सबकी जानिब देखते हुए भीगी हुई रुहानसी आवाज में बोला, मैं अपने किए पर आप सबसे माफी का तलबगार हूँ। आप लोगों ने जिस तरह मेरी मदद की मैं इसके लिए सबका बेहद मशकूर हूँ। सबने आला जरफी का मुजाहरा करते हुए खुले दिल से गोगो को माफ कर दिया और यूं समंदर में जिंदगी फिर से पहले की तरह रवा दवा हो गई। ये कहानी आपको बताई गई है कि जिस तरह एक दरियाई घोड़े ने किया और बाद में उसको अपने किए पर अफसोस हुआ कि हमारी तख्लीक का मकसद लड़ना नहीं है बल्कि एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना। देखा आपने कि जिस तरह ये एक दरियाई घोड़े ने जिस तरह उसके जरिए ये एक पैगाम दिया गया है कि अगर हम लोग इस तरह गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। जो हम दूसरों के साथ गलत करते हैं ना वो हमारे साथ भी गलत होता है। आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छी तरह, इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ने हैं। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।